अस्सलामुअलैकुम गाइस, माय नेम इज आदाब। मेरा सभी लोग एक न्यू ब्लॉग में खुश आमदी। तो भाई आसपास जो काफी शादी वाला माहौल है, और तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या सीन होता है क्या नहीं, बट आई कुड नॉट शो यू गाइस क्योंकि सबके अपने प्रीवियसी होती है। अगर मेरे घर में से किसकी शादी होती है, अगर कोई दूसरा पसंद आके वीडियो बना रहा, तो मुझे भी एक सेकंड के लिए थोड़ा अजीब लगता। तो ये गाइस के लिए शादी नहीं, हमारे बहन का है। आपकी कब होगी? आपकी शादी कब होगी? दो चार दिन बाद होगी। मुझे वो खाना कैसा लगा? बहुत ही एक नंबर, बढ़िया एक नंबर, मजा आ गया भाई। सलाम अलैकुम। माशाल्लाह खाना काफी ज्यादा अच्छा था। एक बाप अपनी जिंदगी पूरी मेहनत करता है कि वो इस वक्त के लिए पैसे सेव करे, बट डेफिनेटली खाना काफी ज्यादा अच्छा था। रिसेंटली मैं साइकिल के टायर की तारीफ कर रहा था, जब उसमें से हवा नहीं निकलती है, अभी देख रहा हूँ साइकिल में ऑलमोस्ट हवा निकल चुकी है। तो मैं जा रहा हूँ बाई वॉक, एंड बाय द वे मैं जा रहा हूँ भाई शुगर केन का जूस पीने के लिए, गन्ने का जूस पीने के लिए। रमजान के पहले मैं गया था अगर आपको याद होगा तो, एंड ऑल्सो मैंने ये भी सुना था दैट वो जो गन्ने का जूस है उसका प्राइस भी बढ़ गया है। नो तो आप चल के पता चलेगा अपने को। एक तो यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, एंड उसमें भी अगर आप 15-20 मिनट अगर लाइट जाएगी तो भाई आप इमेजिन कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ क्या हालत होगी। एंड कंप्यूटर ना खरीदने का एक ये भी रीज़न था, यहाँ पे जो बार बार लाइट चली आती है, इससे अगर मैं एडिटिंग करने बैठता हूँ एंड उसमें लाइट गई, एंड जो मैं एडिटेड व्लॉग है वो सेव नहीं होगा, मैं मुझे वापस से पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा एडिटिंग। तो भाई ये वाली जो जगह स्पेसिफिक, यहाँ पे जब मैं वेकेशन में आता था तो यहाँ पे लिटरली एक कंका घर भी नहीं था, अभी तो फिर भी यहाँ पे अच्छे खासी जमीन बन चुकी है, एंड ऑल्सो काफ़ी अच्छे अच्छे लोग भी आ चुके हैं रहने के लिए, तो देखिए काफ़ी अच्छा लगता है। वो जो गन्ने का जूस था वो कहता है था भाई वीडियो मत उतार, मैंने बोला कि मैं कौन सा वीडियो उतार रहा हूँ। जिन्हें पता नहीं होता उनका फ्री में प्रमोशन होता है, नहीं तो भाई मुझे वैसे भी लोग बुलाते हैं शूटिंग करने के लिए, जिनकी शॉप होती है उनसे ज़्यादा जो वहाँ पे जो वर्क करते हैं वो मना करते हैं भाई वीडियो मत उतारना, भाई ऐसा सुनेगा दैट चाय से ज़्यादा गर्म केतली है। बट एनीवे सर में जो शुगर किंग का शरबत आ गया अलहमदिल्ला। मेरा प्लान था पहले वहाँ पर बैठ के पीने का, बट भाई काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा था, मैं सीधा पार्सल ही करवा दिया, आप मेरे हालात देख सकते हो वैसे भी। बाकी जो प्राइस बढ़ने का मैंने सुना था वो तो सही था, प्राइस बढ़ा इसके वो 5 रुपये होगा, भाई इसके पीछे भी रीज़न कुछ सभी हमें किसी तरह मिलता हूँ घर पर। ठीक है, जो मेरा मोबाइल पूरा गर्म गर्म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सिर्फ अभी आधे घंटे पहले मैंने आया था। तो ये जो रास्ता है मैं जाता हूँ घोसपा की चिल्ले के पास ना, एंड आप देख सकते हो पूरी सड़कें मस्त बन चुकी है। अगर मैं पहले व्लॉग देखा तो आपको पता होगा जो यहाँ की सड़क थी पहले, वहाँ पे बाइक या कार या साइकिल तो छोड़ो हम पैदल भी नहीं चल सकते थे प्रॉपरली, इतना था बेकार था। ये पूरा यहाँ से वहाँ तक स्टार्टिंग होती है वहाँ से, अभी यहाँ पे मस्त सनसेट होने वाला है, एंड आपको ये हवा की और सुनाई दी जाएगी, यहाँ अपनी फेवरेट स्पॉट, एंड वहाँ हमारे घोसपा दादा का चिल्ला। सो देयर इज वन पर्सन ऑन यूट्यूब जिसका नाम है केसी नेस्टेड। केसी नेस्टेड कौन है इसका इंट्रोडक्शन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। केसी नेस्टेड कौन है अगर मैं आपको मेरी नजर से बताओ तो, केसी नेस्टेड इज द लेजेंड, इज द बॉस ऑफ व्लॉगिंग इंडस्ट्री इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। केसी नेस्टेड इस व्लॉग दुनिया में कोई भी नहीं बना सकता, ही इज द ओनली पर्सन जो अकेला शूट करता है, एंड काफी अलग अलग इससे एंगल होते हैं। कुछ 2-3 साल पहले केसी नेस्टेड जो डेली व्लॉग्स अपलोड करता था, सारे के सारे मैंने व्लॉग देखा हुआ है, आई हैव टू से दैट भाई वो जो बंदे की क्रिएटिविटी है, उसका जो हार्ड वर्क है, डेली व्लॉग्स मैं कुछ पिछले 44 डेज से कर रहा हूँ, बहुत कुछ शूट करना पड़ता है बहुत अलग अलग आइडिया लगा के, इतने सारे शॉर्ट्स एंड भाई वो भी एकदम परफेक्ट। दोस्तों भाई जो बोलने स्टोरी टेलिंग का तरीका है वो भाई नेक्स्ट लेवल है केसी नेस्टेड का। केसी नेस्टेड इज द ओनली पर्सन एज माई परस्पेक्टिव, उसी ने जो व्लॉगिंग इंडस्ट्री को बूम किया है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, काफी लोग उसे इंस्पायर होकर व्लॉग बना रहे हैं। व्लॉगिंग छोड़ो मैं तो केसी नेस्टेड के फिल्म मेकिंग या एडिटिंग का भाई बहुत बड़ा फैन हूँ। आई मीन भाई ही इज द नेक्स्ट लेवल पर्सन टर्म्स ऑफ शूटिंग एडिटिंग एंड भाई ऑल्सो स्टोरी टेलिंग वगैरह, एंड भाई ट्रांजेक्शन को आपको पता होगा, एंड भाई वो भी अकेले ये सब करना भाई बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अगर आपने कभी वीडियो शूट या व्लॉग शूट किया होगा तो आपको पता होगा भाई, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो एनीवे सिंस आई एम डूइंग व्लॉग
तो मुझे चाहिए कि मेरे साथ में एक और पर्सन हो। वैसे भाई राहिल भी यहाँ पे नहीं है, वैसे मेरा ब्रदर वो भी काफी ज्यादा बिजी रहता है। आई वॉन्ट वन पर्सन जो कि मेरे साथ हो व्लॉगिंग करते वक्त, बाकी फ्यूचर में इंशाल्लाह अपनी टीम भी होगी। फिलहाल मुझे एक पर्सन चाहिए जो मेरे साथ में व्लॉगिंग करते वक्त। मुझे पता है मेरे गाँव में से काफी सारे व्लॉग देख रहे हैं, अगर मेरे साथ में कोई काम करना चाहता है या मुझे ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, भाई प्लीज मुझे जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट करना, बाकी वी विल डिस्कस। एंड एक और बात, अगर कोई मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है तो भाई अगर आपकी स्टडी चल रही है तो प्लीज आप बताना, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं लास्ट व्लॉग में कहा था पहले अपनी स्टडी पूरी करो, फिर आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। तो यस ये भी मेंशन कर दूं, मैं अगर कोई स्टडी कर रहा है तो भाई प्लीज मुझे ज्वाइनमेंट करना, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्टडी भी ध्यान दो। ताकि कोई भी मेरे साथ में वर्क करना चाहता है तो फील फ्री टू डीएम मी, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। विद्या सेट, ये था अपना नंबर 45 ब्लॉग जो कि यहाँ पे होता है समाप्त। एंड यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो विंडो, इस विंडो के बाहर से जो अपने पीछे मंडप लगा है वो दिखाई देता है। अगर मैं ये विंडो खोलूंगा तो सामने एक घर है, जिस घर की विंडो जो है खुली हो सकती है, उनकी प्रीवियस को मद्देनजर रखते हुए ट्राई करूंगा सुबह में दिखाने के लिए यहाँ से मंडप दिखता है। विद्या सेट, अगर मैं इस ब्लॉग को यहाँ तक देख लिया थैंक यू सो मच फॉर बटन माई हार्ट, एंड ऑल्सो सारे के सारे ब्लॉग्स देखने के लिए थैंक यू सो मच कि आप टाइम निकल के ब्लॉग देखते हो। एंड ऑल्सो डू शेयर दिस ब्लॉग विद फ्रेंड्स एंड डू कमेंट एंड थॉट्स आपको ब्लॉग कैसा लगा। बाकी फॉर मोर कनेक्टिविटी मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर स्नैपचैट सब पैड एंड फॉलो कर लो, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दिल से थैंक यू सो मच, मिलता है आपको बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट।